आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज के किसी मुख्य खबर की ओर। माँ चंचला वार्षिक महोत्सव समिति की बैठक राजा अजीत सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष सह माँ चंचला वार्षिक महोत्सव समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल उपस्थित हुए। बैठक में मुख्य रूप से अष्टम माँ चंचला वार्षिक महोत्सव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। वीरेंद्र मंडल ने कहा कि हर साल की भांति इस वर्ष भी माँ चंचला वार्षिक महोत्सव मनाया जाएगा, परंतु कोविड-19 के संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस साल कार्यक्रम 3 दिवसीय माँ के दरबार में हवन पूजन भोजन आदि सभी आयोजन तथा मंदिर की साज सज्जा रथ सज्जा पूर्व की भांति होगी, परंतु कलश यात्रा सीमित रहेगी। कहा कि माँ चंचला वार्षिक महोत्सव 16, 17 एवं 18 जनवरी को होगा। मौके पर मोहन लाल बर्मन, तारिणी पाल, मधुसूदन पांडे, सुखदेव सा, रामेश्वर मंडल, टीपी खान, मोहन सा, मनोज मालवीय, पिंटू मिश्रा, नवल किशोर सिंह, ब्रजेन गौन, मुकेश यादव, तपन दास, शिव शंकर मंडल, त्रिलोकी प्रसाद, प्रणव दास, तमाल कांति मित्र आदि सदस्य मौजूद थे। जामताड़ा से गौतम मंडल की रिपोर्ट। सबसे पहले माँ चंचला के सभी अनुयायियों को, भक्तजनों को वर्ष 2020 की विदागिरी और वर्ष 2021 की आगमन का ढेर सारी। हम लोगों ने बड़ी ही सफलतापूर्वक 7 वर्षों तक सप्तम माँ चंचला वार्षिक महोत्सव को धूमधाम से मनाया है और हम लोगों के लिए सौभाग्य और गर्व का विषय है कि आने वाले 2021 में हम लोग अष्टम माँ चंचला वार्षिक महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इसी के लिए माँ चंचला के हम सभी अनुयायी आज राजा अजीत सिंह की अध्यक्षता में हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि कार्यक्रम की रूपरेखा आदरणीय हमारे विद्वान अधिवक्ता जो माँ चंचला के बहुत बड़े भक्त हम लोगों के मार्गदर्शक, उन्होंने बताया, हम लोग अष्टम वार्षिक महोत्सव जो मनाने जा रहे हैं माँ चंचला का, हम लोग इस बार वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए सरकार के द्वारा जो जारी गाइडलाइन है इसके तहत जो है हम लोग सीमित पैमाने पर मना रहे हैं। क्योंकि प्रशासन की ओर से जो अनुमति है, हम लोग 108 कन्याओं को ही, माताओं को ही कलश यात्रा में सम्मिलित कर सकते हैं, ये हम लोगों की मजबूरी है। इसलिए तमाम माँ चंचला के जो हमारे भक्त माताएं बहने हैं, उन सबों से मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जो भी गाइडलाइन है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, माइकिंग के माध्यम से, हैंडबिल के माध्यम से विस्तृत रूप से सूचित कर दी जाएगी। यह कार्यक्रम में जो 108 कन्याओं का, माताओं का जो कलश यात्रा में सम्मिलित होगा, उसके हम लोग पारदर्शी रूप से 108 कन्या का, माताओं का हम लोग सिलेक्शन करेंगे। ये हम लोगों ने, कमेटी ने निर्णय लिया है कि जो भी कन्याएं माताएं कलश यात्रा में भाग लेंगी, उनको जो है सो जो निर्धारित स्थल है उस जगह पे जहां कूपन प्राप्त होना है, उस वहीं पे कूपन उनको प्राप्त करना है और वहीं फिर कूपन जमा भी करना है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।